कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में टोल कर्मचारी महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पीड़ित महिला का आरोप है कि टोल कर्मचारी अवैध रूप से टोल वसूल कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर कर्मचारी बदतमीजी करने लगे। सभी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, लेडीज के साथ बदतमीजी बुरी तरह कर रहे हैं। तमीज नहीं है यहाँ के मैनेजर को बोलने की और गाली गलौज लेडीज से करते हैं, ऐसे टूल चलाते हैं। एक घंटा हो गया हम लोगों को। हाथापाई बदतमीजी से ज्यादा हाथापाई हो, हाथापाई भी जरूरी है क्या? बोल तो रहे बुरी तरह। वहीं मामले को तूल पकड़ता देख एसपी ने कोतवाली अकबरपुर को जांच के आदेश दे दिए हैं। कि आपने सुबह उसको देखा था और जब आप लौट के आ रहे थे तो कुछ ट्रकों को उसने खड़ा कर रखा था जिससे वो वसूली कर रहा था, और आपने जब समाचार बनाना चाहा तो उसने आप लोगों के साथ भी मारपीट की। मैंने इंस्पेक्टर अकबरपुर को निर्देशित किया है कि पत्रकारगणों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जाए, उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया जाए और ट्रक ड्राइवर्स की तहरीर पर भी अभियोग पंजीकृत करके सख्त कार्रवाई। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में आरोपियों पर क्या कार्रवाई करता है। कानपुर से अमरीश त्रिपाठी, पंजाब केसरी टीवी।